तो नमस्कार, आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। लगातार बातें चल रही हैं आईपीएल 2023 की, और आईपीएल 2023 में भी सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने कई अहम फैसले लिए, कई बड़े कदम उठाए, कई बड़े जोशीले खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल किया। अब इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स मजबूत भी है और कमजोर भी है। मजबूत इसलिए क्योंकि अच्छे खिलाड़ियों की एक पूरी फौज उनके साथ इकट्ठी हो गई है, और कमजोर इसलिए क्योंकि मिनी ऑक्शन में वो ज्यादा परचेजिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल 7 करोड़ रुपए उनके पास हैं। लेकिन इस स्क्वाड में भी, मैं स्क्वाड आपको लेकर सामने लेकर आया हूं, इस स्क्वाड में भी कोलकाता नाइट राइडर्स एक खतरनाक टीम बना सकती है, एक बेहतर प्लेइंग 11 इस स्क्वाड में भी केकेआर बना सकती है। वो क्या प्लेइंग 11 होगी ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस स्क्वाड में भी बेशक कोलकाता नाइट राइडर्स कोई बड़े प्लेयर ना खरीद पाए मिनी ऑक्शन में, लेकिन उसके बावजूद भी केकेआर बड़ी खतरनाक टीम बना सकती है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्लेइंग 11 के साथ केकेआर को अब उतरना चाहिए आईपीएल 2022 में। देखिए, सबसे पहले ओपनर का मामला आता है। ओपनर के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखिए गुरबाज तो रहेंगे क्योंकि गुरबाज को लिया है, गुरबाज तो रहेंगे। उसके बाद में गुरबाज के साथ कौन आएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरबाज के साथ वेंकटेश अय्यर को उतारना चाहिए, बहुत बेहतर खिलाड़ी है, वेंकटेश अय्यर को उतारना चाहिए। अब वेंकटेश अय्यर गुरबाज के साथ ओपन करने के लिए आ गए हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। दोनों नौजवान खिलाड़ी हैं, तेज तर्रार खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब यहां पर नंबर 3 का सवाल आता है कि नंबर 3 पर किसको आना चाहिए। नीतीश राणा ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो कि टीम को मजबूत बनाकर चलना है, हमें ऊपर से टीम को मजबूत बनाते हुए चलना है नीचे तक। तो यहां पर क्या करना है, मेरे हिसाब से टीम का जो सबसे अच्छा बल्लेबाज है उसे नंबर 3 पर उतारिए। श्रेयस अय्यर कप्तान अगर खुद नंबर 3 पर आए तो टीम को मजबूती दे सकते हैं। नंबर 3 के बल्लेबाज भी हैं, टीम इंडिया के लिए भी नंबर 3 पर खेल चुके हैं, अच्छे रन भी बना चुके हैं। तो श्रेयस अय्यर को समझ है गेम को कैसे आगे ले जाना है, और 2022 में भी श्रेयस अय्यर के बल्ले से 400 से ज्यादा रन निकले थे। तो यहां पर श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात आती है नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर इनके पास और खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज है, उसका नाम है नीतीश राणा। तो नंबर 4 पर आप नीतीश राणा को उतारिए तो आपका टॉप ऑर्डर मुझे बड़ा शानदार नजर आ रहा है, बहुत धुआंधार नजर आ रहा है टॉप ऑर्डर। बस वेंकटेश अय्यर को थोड़ा जिम्मेदारी लेकर खेलना पड़ेगा, तो टॉप ऑर्डर इनका बढ़िया मुझे नजर यहां पर आ रहा है। अब बात आती है नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर तो इनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर मैच को बदलने की ताकत रखता है, अपने दम पर मैच इधर उधर करने की ताकत रखता है, ऐसा खिलाड़ी केकेआर के पास नंबर 5 पर। और हाल ही में उसके बल्ला रन बना रहा है, आग उगल रहा है, चौके छक्के लगा रहा है। उस खिलाड़ी का नाम है यहां पर रिंकू सिंह। जी हां, रिंकू सिंह। मेरा मानना है कि रिंकू सिंह को आप नंबर 5 पर रखिए, यह एक पोजीशन इस खिलाड़ी के लिए बहुत परफेक्ट है। जिस तरीके का यह खिलाड़ी है, जिस तरीके का यह रन बनाता है, मैच को फिनिश करता है, वो रिंकू सिंह की सिचुएशन नंबर 5 पर। मेरा मानना है कि रिंकू सिंह को पूरे आईपीएल 2023 के सीजन में नंबर 5 पर खिलाइए, यह खिलाड़ी आपके लिए नंबर 5 पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकता है। तो रिंकू सिंह को नंबर 5 पर रखिए। अब बात आती है नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर कोलकाता के पास बहुत धुआंधार खिलाड़ी है, सबसे पावर हिटर, सबसे ज्यादा धुआंधार रन बनाने वाला, नाम है उसका आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल, तो देखिए यहां पर अब ऊपर से आप देखते चले जाइए, गुरबाज खतरनाक शानदार खिलाड़ी, वेंकटेश अय्यर शानदार खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर, राणा, रिंकू, रसल, आपको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी केकेआर की टीम। मैं बता रहा हूं, इसी स्क्वाड से बता रहा हूं, इसी स्क्वाड से आप केकेआर की एक दमदार टीम बना सकते हैं और धुआंधार टीम बना सकते हैं जो आपको आईपीएल 2023 जिता सकते हैं। अब आगे भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए यहां पर आपके नंबर 6 आपके परफेक्ट हो गए हैं जो आपको मैच जिताएंगे। अब बात आते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पर भी आपके पास बहुत अच्छा खिलाड़ी है, नाम है सुनील नारायण। सुनील नारायण को आप नंबर 7 पर उतारे तो नंबर 7 तक आपके पास प्रॉपर बल्लेबाज हैं जो छक्के लगाने जानते हैं, वो बल्लेबाज हैं, और T20 में छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बहुत कीमत होती है। तो नंबर 7 तक आपके पास छक्के लगाने वाले प्रॉपर बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं। सुनील नारायण अपने दम पर मैच जिताने की ताकत, रसेल, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, गुरबाज, ये तमाम खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं। तो ये आपके हो गए नंबर
7 तक। अब बात आती है नंबर 8वें खिलाड़ी की कि नंबर 8वें खिलाड़ी को आपको किसको खिलाना है। तो देखिए यहां पर जो स्क्वाड है वो है शार्दुल ठाकुर के लिए, शार्दुल ठाकुर को लिया है इन्होंने 10 करोड़ में, तो मेरे हिसाब से ये नंबर 8। अब नंबर 8 पर भी आपके पास बल्लेबाजी वाला खिलाड़ी आ गया, तो इनके पास कितनी डेप्थ हो गई। केकेआर के पास बल्लेबाजी आप खुद देखिए कितनी डेप्थ बल्लेबाजी होगी। 8 नंबर तक आपके पास वो खिलाड़ी है जो छक्का लगा सकता है, अपने दम पर मैच जिता सकता है बल्लेबाजी से भी, तो 8वें नंबर तक बल्लेबाजी हो गई। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी धुआंधार बल्लेबाजी केकेआर के पास, पूरी स्क्वाड आपकी नजर आ रही है, एक धांसू स्क्वाड केकेआर की नजर आ रही है 8वें नंबर तक। अब बात आती है नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर आप किसको खिलाएंगे। देखिए नंबर 9 पर इनके पास एक और खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी कर सकता है, उसके बाद है फर्गुसन। देखिए फर्गुसन जो है ना, हालांकि प्रॉपर गेंदबाज है लेकिन बल्लेबाजी में अच्छे हाथ कभी कभी दिखा सकते हैं, गेंदबाजी की तो रफ्तार उनके पास है ही है, बल्लेबाजी में भी कुछ छक्के लगा सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो बल्लेबाजी करनी जानते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक प्रॉपर टीम रहेगी। अब यहां पर देखिए आपके पास 4 विदेशी खिलाड़ी भी हो गए हैं, गुरबाज आपके पास विदेशी खिलाड़ी, रसल, सुनील नारायण और फर्गुसन, ये 4 विदेशी खिलाड़ियों का आपका जो स्लॉट था वो पूरा हो चुका है, तो आपको अब विदेशी खिलाड़ी नहीं लेने हैं, अब आपको 2 इंडियन खिलाड़ी लेने हैं। तो 2 इंडियन खिलाड़ी कौन से हैं, वो भी इस टीम के पास बड़े धुआंधार खिलाड़ी हैं और दोनों गेंदबाज विकेट टेकर गेंदबाज है। एक का नाम है उमेश यादव, उमेश यादव आईपीएल 2022 में पावर प्ले में लीडिंग विकेट टेकर वाले गेंदबाज थे, पावर प्ले में विकेट लेने वाले गेंदबाज, पहले ओवर में विकेट चटकाते थे उमेश यादव, तो ये उमेश यादव की ताकत है गेंदबाजी में भी। तो गेंदबाजी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी केकेआर बड़ी मजबूत नजर आ रही है और शानदार नजर आ रही है। और एक जो खिलाड़ी इनकी टीम में होगा वो वरुण चक्रवर्ती, हालांकि ये जो है ना बस वरुण चक्रवर्ती, ये मुझे थोड़ी सी कमजोर कड़ी नजर आ रही है, बस वरुण चक्रवर्ती, हालांकि मिस्ट्री स्पिनर है, विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन थोड़ा सा मुझे बस यहां पर डाउट है, वरना आप अंदाजा लगाइए कितनी धुआंधार टीम बन गई केकेआर की, और इसी स्क्वाड से बनाई है मैंने, इसी स्क्वाड से कितनी धुआंधार टीम बन गई है। गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रसेल, नारायण, ठाकुर, मतलब आपके पास 9 नंबर तक बल्लेबाजी है। ठाकुर तो प्रॉपर बल्लेबाज है, 8 नंबर तक तो आपके पास प्रॉपर बल्लेबाजी है, लेकिन अगर फर्गुसन ने भी हाथ दिखा दी तो 9 नंबर तक, आप अंदाजा लगाइए ऐसी टीम जिसके पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी हो। अब बात मैं गेंदबाजी की भी ताकत बताता हूं, देखिए चक्रवर्ती, उमेश, फर्गुसन, ठाकुर, नरेन, रसेल, मतलब 1 2 3 4 5 6 गेंदबाजी के ऑप्शन है, वेंकटेश अय्यर भी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो 7 गेंदबाजी के ऑप्शन है इनके पास, 7 बहुत शानदार टीम ये बन गई है, 7 गेंदबाजी के ऑप्शन जिस टीम के पास हो और 8 बल्लेबाजी के ऑप्शन जिस टीम के पास हो, उस टीम को हराना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से केकेआर की टीम को कमजोर मत समझिए मेरे भाई, धुआंधार खिलाड़ी हैं 8 नंबर तक। तो आपका केकेआर किस स्क्वाड पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि यही प्लेइंग 11 मैदान पर उतारनी चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट प्लेइंग 11 मैंने बनाई है। इस प्लेइंग 11 को अगर मैदान पर केकेआर ने उतार दिया तो यकीन मानना केकेआर को कोई हरा नहीं पाएगा। आपका इस टीम पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आईपीएल 2023 की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।